अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल टॉपिक्स और मेरा नाम है तलत जरीन। आज बात करते हैं मोटर के बारे में। पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने सिर्फ ब्रिक्स निकालने का तरीका बताया था, और आज हम मोटर निकालने का तरीका सीखेंगे और उसी मेजरमेंट वाली वॉल के अंदर। लेंथ है 13 फीट, हाइट है 10 फीट, और उसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच है। 9 इंच वाली दीवार के अंदर हम देखेंगे कि मोटर कितना लगता है। पहले तो हमने ब्रिक्स निकाल के चेक की थी, ब्रिक्स निकाली थी, और इस दफ़ा हम मोटर निकालेंगे। दोस्तों, एक टेबल आपने FPS के अंदर चलते हुए एक टेबल आपने लाजमी याद रखना है छोटा सा। एक क्यूबिक फीट के अंदर, क्यूबिक फीट की बात हो रही है यहाँ पे। काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल किया कि क्यूबिक फीट और स्क्वायर फीट क्या होता है, या एक क्यूबिक फीट में ब्रिक्स इतनी कैसे लगती हैं, ये सिंगल दीवार होती है या डबल। क्यूबिक फीट होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशन शामिल होती हैं। तो एक क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स लगती हैं और 0.30 क्यूबिक फीट मोर्टर लगता है, मोर्टर मसाला। अब हमारे पास दीवार की लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। इन तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये 97.5 बनता है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वॉल्यूम को नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कि अगर एक क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स लगती हैं तो इतने क्यूबिक फीट के अंदर कितनी ईंटें लगेंगी, उनको मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह अब अगर हम कहते हैं कि एक क्यूबिक फीट के अंदर 0.30 क्यूबिक फीट मसाला लगता है, तो 97.5 कितना मसाला लगेगा, तो डेफिनेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 29.25 क्यूबिक फीट। अब हम रेशो को देखेंगे, हमारे पास जो मोटर यूज़ हो रहा है उसकी रेशो क्या है। मैं फर्ज कर लेता हूँ 1:4 है, यानी कि अगर वॉल्यूम के हिसाब से या अगर वेट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से एक क्यूबिक फीट अगर सीमेंट लिया जा रहा है तो 4 क्यूबिक फीट सैंड ली जाएगी। सीमेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मोटर। अब रेशो ऑफ सीमेंट इस रेशो के अंदर देखें कि 1 है। पहली जो होती है वो बाइंडिंग मटेरियल की रेशो होती है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 5 बनता है। इन दोनों को ऐड करने से 1/5 मल्टीप्लाई बाय 29.25, यानी जो मोटर को हमारे पास वॉल्यूम आया। सॉल्व करने से 5.85 हमारे पास सीमेंट निकला, लेकिन ये सीमेंट क्यूबिक फिट में निकला है। अब इसी को डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे तो हमारे पास बैग्स निकल आएंगे, 4.68 बैग या 5 बैग। अब देखें 1.25 क्यों किया, इसलिए कि एक बैग के अंदर 1.25 क्यूबिक फीट सीमेंट पड़ा हुआ होता है। अब अगर क्यूबिक फीट को 1.25 क्यूबिक फीट से, जो बैग का स्टैंडर्ड है वॉल्यूम, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बैग्स में सीमेंट आ जाएगा। अब सैंड निकालने के लिए वही फार्मूला, लेकिन रेशो ऑफ सीमेंट की जगह रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, यानी कि इतने क्यूबिक फिट सेंड लगेगी। अब जो हमारे पास वो दीवार थी उसके अंदर जो ब्रिक्स लग रही थी उनके दरमियान इतना मसाला लग रहा है, इतने बैग लग रहे हैं और इतनी क्यूबिक फिट सेंड लग रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी किसी भी किस्म का आपको सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।